नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसपे हम बात करेंगे यहाँ पर सोने चांदी ज्वेलरी और ऑफ कोर्स ड्यूटी कट की जो हमने इस बजट में आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो वही है कि हमने ड्यूटी में यहाँ पर 9% की कटौती आते हुए देखी। बाजार काफी कम की एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन एक 9% की ड्यूटी कट यहाँ पर है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी यहाँ पर सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली जिसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर हम सेकेंड क्वार्टर GDP के नंबर्स देखें US की तरफ से तो वहाँ पर 2.8% ऑन द हायर साइड है, लेकिन जॉब्स नंबर, लेबर डेटा, इन्फ्लेशन नंबर्स अभी भी ये चीज सपोर्ट करते हैं कि शायद सितंबर में पहली रेट कटौती हम यहां पर यूएस की तरफ से आता हुआ देखें। चाइना की तरफ से इस बार काफी सारे रेट कट आते हुए देखे। बैंक ऑफ कनाडा ने यहां पर फिर से रेट कट किया है, तो क्या यूएस ये करेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे जाकर अब यहां पर फेस्टिवल और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो जो ये सोने के प्राइस ट्रेंड्स हैं ये कैसे इंपैक्ट करेंगे खरीदारी के मौके को, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं वामन हरि पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, साथ ही जुड़ेंगे कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया होंगे और BN वैद्या एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं उसका एक स्ट्रीट रिएक्शन ही ले लेते हैं। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे वो ड्यूटी कट है या फिर जैसे आपने हमें कहा था वो सेफ हार्बर रूल, वो भी क्लियर होता हुआ नजर आया, इक्वलाइजेशन लेवी के 2% भी जो आपने मांगे थे वो भी मिले, आप कहेंगे जो जो यहां पर आपने चाहा था वित्त मंत्री ने इस बार इंडस्ट्री को दिया है। नहीं, पक्का, जैसे आपने बताया, वी आर बहुत थैंकफुल कि गवर्नमेंट ने फाइनली हमारी जितनी मांगे थी वो ऐसे क्लियर ही कर दी। अभी हमारी एक दो छोटी छोटी मांगे है जो अगले साल तक हो जाएगी तो इंडस्ट्री विल बी ओके। बट जैसे आपने बताया, सेफ हार्बर रेट से माइनर्स जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे और के इंडिया में डायरेक्टली वो रफ आके बेचे, तो अब बेच पाएंगे। हमारा जो पहला स्पेशल नोटिफाइड जोन था वो एक्चुअली जो आज FM है उन्होंने ही ओपनिंग किया था वो, सो तब से हमारी वो एक मांग रही है कि माइनर्स को डायरेक्टली जैसे कि एंटवर्प और दुबई में बेच रहे हैं वैसे बेच सके इंडिया में। दूसरा, इक्वलाइजेशन लेवी से हमारा क्या हो रहा था कि जो भी आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, आज ऑक्शन रफ में खरीदा कि ऑनलाइन कोई भी रफ आपने ये कॉर्पोरेट से खरीदा तो उस पर 2% लेवी लग रहा था, तो उसके कारण कोई ले नहीं पा रहा था और माइनर्स ऑनलाइन कर नहीं पा रहे थे, तो वो फिजिकल ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होता था तब तक पॉसिबल नहीं था। सो आज वो भी अभी पॉसिबल है और इंडस्ट्री बहुत हैप्पी है कि आज वो लोग अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में, सूरत के, मुंबई, जहां भी बैठे हो वहां से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और रफ खरीद सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने के जो हमारे 5 साल से हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत गवर्नमेंट ने और इंडस्ट्री ने मेहनत की साथ में कि ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज सेक्टर तरफ लेके जाए। आपने कहा डीमोनेटाइजेशन आया, GST फिर इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ, तो ये 3 से ट्रेड जो ऑर्गेनाइज हो रहा था, मगर ये जो बड़ा फर्क था आज इंटरनेशनल रेट में और जो प्राइस में सोना हमारा कंज्यूमर इंडिया के बाहर खरीद सके और इंडिया में ले सके, उसके कारण बहुत बड़े पाये पे स्मगलिंग हो रहा था। और ये स्मगलिंग के कारण जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, तो उसके कारण इंडस्ट्री को एक आई वुड से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर थे उनको डिसएडवांटेज था। तो आज जो ये ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है उससे वापस जो दिशा देश ने पकड़ी थी स्पेशली ज्वेलरी सेक्टर में विद डीमोनेटाइजेशन, GST, हॉलमार्किंग और अभी ये ड्यूटी रिडक्शन एंड कंपेटिटिव गोल्ड रेट से आज की तारीख में अभी इंडिया और अपना देश जो रिटेल ऑर्गेनाइज हो रहा था वो कायम रहे। एब्सोल्युटली, तो जैसे कहते हैं ना कि दशा और दिशा दोनों यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है जहाँ तक गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात है। आशीष जी, आपसे भी एक सेंस लेना चाहेंगे, ऑफकोर्स प्राइसेस में गिरावट तो अच्छी खासी देखने को मिली लेकिन साथ ही साथ जो 999-995 के बीच में जो गैप होता है वो भी हमने यहाँ पर नैरो होता हुआ देखा। ऑफकोर्स इंडस्ट्री का ये कहना है कि कुछ समय लगता है इतनी बड़ी ड्यूटी कट के बाद मार्केट्स को अलाइन होने में, अब एक तो मार्केट्स कैसे हैं और दूसरा कितना अनहेज्ड अनहेज्ड कितना कंज्यूमर को यहाँ पास ऑन हो रहा है और किस तरह की डिमांड ग्रोथ अब आप बनता हुआ देखेंगे। गुड इवनिंग, फर्स्टली इट्स अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप जो हमारे वित्त मंत्री ने लिया है, उसके लिए हम आपका उनका धन्यवाद करते हैं। और उससे क्या हो गया, जो जैसे कुलिन भाई ने कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो दो प्राइसेस चल रही थी, जो गलत काम कर रहे हैं उनका एक अलग प्राइसिंग, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके लिए हायर प्राइसिंग, और उससे ऑर्गेनाइज प्लेयर को
तकलीफ हो रहा था, ये जो अच्छा स्टेप लिया उससे दैट प्रॉब्लम इज नाउ टेकन केयर ऑफ, उससे तकलीफ कम हो जाएगी। दूसरा ये जो सडन प्राइस में जो रिडक्शन आया है लगभग 5-6 हजार रुपए का डोमेस्टिक मार्केट में, उसमें तो फर्स्ट एक दो दिन कस्टमर भी थोड़ा बौखला गया था कि ये क्या हो गया, अचानक से प्राइस नीचे आ गया, सो इट वॉज वेट एंड वॉच। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि रिटेल काउंटर में सब्सटेंशियली हाई वॉकिंग्स है, लोग खरीदारी जोर शोर से कर रहे हैं। शुरू शुरू में सिर्फ मेटल की खरीदारी हो रही थी ताकि आगे सीजन में शादियों में दिवाली में कन्वर्ट करेंगे ज्वेलरी में, लेकिन पिछले 2 दिन में मैं देख रहा हूँ कि ज्वेलरी की खरीदारी भी सब्सटेंशियली हो रही है। तो आई थिंक ये जो प्राइस लेवल आया है जो रिटेल कस्टमर के लिए इट इज डाइजेस्टेबल, उनको लगता है कि इट इज वर्थ एंटरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इससे ज्यादा और भाव नीचे नहीं जाएगा ऐसा हमें भी लगता है और रिटेल कस्टमर को भी लग रहा है। तो रिटेल में सब्सटेंशियल अच्छा बाइंग आया है। साथ ही साथ आशीष जी, कितना क्या आप कहेंगे एज अ ज्वेलर पूरा का पूरा जो प्राइस डिक्लाइन था वो कंज्यूमर को यहाँ पास ऑन हो गया है? यस डेफिनेटली, बिकॉज जब मैं मार्केट में आया तब प्राइस इतना ओपन नहीं था, लेकिन अभी विद ऑनलाइन पोर्टल्स एंड एमसीएक्स प्राइसेस एवरीथिंग, सो द ऑनलाइन प्राइस डिस्कवरी जितना होता है दैट इज अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल कस्टमर टू सी, तो उसमें अभी कोई मार्जिन छुपा हुआ ऐसा कुछ अभी पॉसिबल नहीं, जो भी ओपन मार्केट है वो मार्केट सबके लिए दिखता है। तो प्राइस पूरा का पूरा रिटेल एंड में कस्टमर को ऑब्वियसली विद सम रिटेल मार्जिन पूरा का पूरा पास ऑन हो गया है, देयर इज नो नथिंग लेफ्ट नाउ। पॉइंट टेकन। भार्गव भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, और सोना खरीदने के काफी तरीके हैं, अगर किसी ने एक हफ्ता पहले सोना लिया या एक महीना भी अगर पहले लिया तो क्लियरली वो तो यही सोच रहे होंगे कि अरे हम वेट ही कर लेते क्योंकि इमीडिएट प्राइस डिक्लाइन है, लेकिन अगर किसी ने जनवरी में भी सोना लिया तो भी सोने के प्राइसेस अभी 7% ऊपर हैं, पिछले साल लिया तो ऑफकोर्स आप 15% के मुनाफे पे हैं। तो जो ये वेरियस अटकलें लगाई जा रही हैं कि ड्यूटी कट की वजह से नुकसान है गोल्ड बॉन्ड बायर्स को या फिजिकल बायर्स को या ETF खरीदारों को फंड्स के हिसाब से, आप कहेंगे उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो अगर आपका स्टॉक 9-10% नीचे आए, एक तो 9% ड्यूटी घटी और गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, तो वो एक शॉर्ट टर्म शॉक सभी को आएगा, और उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको करना है तो आप कर सकते हैं कि भाई पूरे जिंदगी कमाए तो एक बार थोड़ा छोड़ दीजिए। नहीं नहीं भाई, वो दिन जब न्यूज सुना या फाइनेंस मिनिस्टर बताया, आई वाज आल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक के इतना चेंज हो गया एक शॉट में। दो बार तो हम लोग चेक कर रहे थे कि भाई ये खाली बेसिक ड्यूटी नहीं है ना, एग्रीकल्चर सेस अलग नहीं है, बट एनीवे दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड यस, शॉर्ट टर्म के लिए जिसने लास्ट मंथ में लिया होगा उसको थोड़ा लॉस है, मगर वो किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक यू आर सेफ, कोई किसी को ज्यादा लॉस नहीं। भार्गव भाई, सुनने में ये आ रहा है कि अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांशेस भी बहुत जल्दी लाई जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है कि अब जैसे यहाँ पर फंड्स एलोकेट हो जाएंगे अगस्त में शायद हम वो डिसीजन या फिर अनाउंसमेंट भी आता हुआ देखेंगे, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट की ओर, ज्वेलरी की ओर, सभी तरफ यहाँ पर अब रुझान बढ़ेगा और गोल्ड बॉन्ड्स एज ऑलवेज एक बेहतर तरीका रहेंगे खरीदने के लिए? आई विल ऑलवेज से गोल्ड बॉन्ड विल बी अ बेस्ट बाइंग मॉडल फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर, अगर उसे हमें ऑन टैप और इवन स्मॉलर ट्रांचेस में कर सके तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ज्वेलरी और सब में बाइंग तो बढ़ेगा, जैसे आशीष भाई ने बताया कि अभी हर एक जगह पे रिटेलर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि 70,000 फिगर जो हमने देखा काफी टाइम के बाद 24 कैरेट के लिए, इसमें लेना ही चाहिए, वापस नहीं मिलेगा, और डर है कि कुछ GST बढ़ गया, ये बढ़ गया तो वापस तो मिस करेंगे, तो शायद बाइंग नेक्स्ट 15-20 दिन में और ज्यादा होनी चाहिए। भार्गव भाई, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्सेस भी देखते हैं और जिस तरह से इंडेक्सेशन बेनिफिट्स वगैरह हमने यहाँ पर निकलते हुए देखे, ETF बाइंग, फंड बाइंग, जो नियर टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप यहाँ पर क्या एडवाइस करेंगे? ठीक है, ETF बाइंग, फंड बाइंग, और इसके लिए एक अभी एक लेवल फेलिंग फील्ड हो गया। आप मुझे पूछे, इंडेक्सेशन एक बेनिफिट था मगर हमने, वी हैव लॉस्ट इट, तो इट्स फाइन अगर वो
जो लेवल फिलिंग फिल वॉज लॉस्ट बाई ई टी एफ एंड सम अदर मीडियम दैट इज देयर आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज है वो पूरा हट जाए बिकॉज मैं ये कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि वो कम करे या ये वापिस लाए वो जरा ज्यादा एस्किंग हो जाएगा मगर एटलीस्ट उसके पर जो सरचार्ज है जो पहले कैप किया था और अभी 12.5% पे अगेन दैट फुल सरचार्ज कम्स इन इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ हायर टैक्स तो इतना भी हो जाए तो काफी रिलीफ हो जाएगी. ऑल राइट, ऑफ कोर्स कुछ बेहतर स्टेप्स वहाँ पर आए हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं. और जैसे कहा ऑफ कोर्स जिस तरह से बैलेंस किया गया है यहाँ पर टैक्सेस को इंडेक्सेशन बेनिफिट्स यहाँ पर निकाल दिया गया है लेकिन 24 मंथ्स में इसको ले आया है तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क है ऐसा नज़र नहीं आता. जो कैलकुलेशन हम ऑफकोर्स यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से करते रहे हैं 0.25% का शायद यहाँ पर फर्क पड़ता है तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से भी नहीं है. नितिन जी आप कैसे देखते हैं इसे? ऑफकोर्स बहुत सारी लेटर्स आगे पीछे आप यहाँ पर काफ़ी बुलिश अग्रेसिव भी रहते हैं, आपने ये बजट कैसे रीड किया? नितिन आप म्यूट पर हैं. सॉरी जी अगर इस बजट की ओर तो 7.5% तक होनी चाहिए तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जो हमने रैशनल दिया था और जो टाइम लेके हमने उनको समझाया था कि देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ये बढ़ना ड्यूटी शुरू हुई थी और करेंट अकाउंट डेफिसिट क्योंकि अब कंट्रोल में आ चुका है तो ड्यूटीज जो है वो रोल बैक होनी शुरू हो जानी चाहिए और उससे ज्यादा जो हमने टेररिज्म फंडिंग की बात करी थी आई थिंक दैट हिट द वॉल और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने भी अपनी स्टडीज शुरू करी और उसकी वजह से ही एक हमने ड्यूटी में ये रिडक्शन आते हुए हमने देखा है. लेकिन हाँ डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है लास्ट 2 या 3 दिन से. अगर मैं बात करूँ तो इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आ रही है और आज की डेट में अगर आप लेडीज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देखोगे तो चर्चा यही चल रही है कि किसके हस्बैंड ने क्या दिलाया. इनफैक्ट आज मैं जब घर से निकला हूँ तो मैं प्रॉमिस के साथ निकला हूँ कि कल वाइफ को आशीष भाई के गोरेगांव शोरूम में लेके जा. ऑल राइट, आशीष भाई नितिन भाई वहां पर आ रहे हैं और शायद मैं भी आऊंगी. और आप अपनी वाइफ के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहे थे नितिन जी? आपको वो काम तो करना भी नहीं चाहिए लेकिन आई गेट द पॉइंट. मुझे दिखाया जाना था कि देखो कौन से अच्छे जा रहे हैं. ऑल राइट, नो आई गेट योर पॉइंट कि अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकना होगा. हम लौटेंगे तो आप सबसे वही जानने की कोशिश करेंगे कि अब फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेंड्स गोल्ड में अब किस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसी खरीदारी एक्सपेक्ट की जानी चाहिए स्पेशली जब हम फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में यहाँ पर आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका और बजट रिएक्शन ऑफ कोर्स हम अपने एक्सपर्ट से ले ही चुके हैं लेकिन अब जानेंगे उनसे फॉरवर्ड लुकिंग विजन एंड एक्सपेक्टेशंस क्योंकि अब हम जिस सीजन में जा रहे हैं यहाँ पर मांग सबसे बेहतरीन होती है, शादियाँ और फेस्टिवल सामने खड़े हैं. नितिन जी आपसे ही पहले शुरुआत करना चाहेंगे और किस तरह की मांग आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं? और ऑफकोर्स बजट में तो सभी कुछ मिला ही लेकिन अभी भी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो अब मूव ऑन कर रही हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांच कब आएगी, मैंडेटरी सोने में हॉलमार्किंग होगी या नहीं, चांदी की हॉलमार्किंग की बातचीत भी यहाँ पर हो रही है. आप कैसे देखते हैं ये सारी कॉन्वर्सेशंस को? मनीषा जी डिमांड जो है मुझे लगता है कि इस बार जो दिवाली की डिमांड या त्योहारी सीजन की जो डिमांड रहने वाली है वो पिछले 4 या 5 साल में मैक्सिमम रहने वाली है क्योंकि जैसा मैंने बताया इस बार पतियों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है सोना नहीं दिलाने का. तो डिमांड जो है वो काफी हाई रहने वाली है और इसके साथ ही हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि प्रीमियम्स जो है जब बाजार में डिमांड नहीं होती है तो वो डिस्काउंट्स में रहता है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रीमियम्स जो है वो इस बार रहने वाले हैं बाजार के अंदर. हायर साइड ऑफ प्रीमियम्स में गोल्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो मार्केट्स में हमें देखने को मिल सकती है. अब जो नेक्स्ट डिमांड हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गोल्ड को अब एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी के अंदर रख दिया जाए ताकि गोल्ड में जो ईएमआई ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाए और इजी वे में गोल्ड जो है वो कस्टमर के लिए अवेलेबल हो. ऑल राइट, तो ऑफकोर्स अभी भी एज ऑफ नाउ काफी कुछ डिजायर्ड है जो सरकार यहाँ पर इस इंडस्ट्री के लिए कर सकती है. कॉलिन आप कैसे देखते हैं और यहाँ से अब क्या सेंस है? बिकॉज चाहे बात डोमेस्टिक डिमांड की हो या फिर एक्सपोर्ट्स की हो जो पिछले साल बहुत बेहतरीन नहीं थे, आपको लगता है जो चेंजेस और हमने बजट में आते हुए देखे हैं उससे हम यहाँ पर एक सपोर्ट और बेटर नंबर बनता हुआ देखेंगे?
बेटर नंबर फॉर द नेक्स्ट 8 months डेफिनेटली देखेंगे. अप्रैल टू जुलाई देखो डोमेस्टिक के एक्सपोर्ट दोनों में बहुत बाइंग नहीं हुई थी. अपना इधर इलेक्शन था और यूएस और चाइना में द इकोनॉमी वॉज यू नो बहुत अच्छा नहीं था. सो ऑगस्ट टू मार्च अभी अगले 8 महीने में एक तो जो लॉस हुआ है पहला एक क्वार्टर का सेल का वो भी मेकअप करना है और थोड़ा ग्रोथ करना है. तो वॉल्यूम हम ऐसे यू नो इंडस्ट्री सोच रही है कि शायद लास्ट ईयर के जैसे ही रहेगा बट वैल्यू में शायद 10-15% का ग्रोथ अगले 8 महीने में होगा. ऑल राइट, तो 10% जैसी ग्रोथ हम वैल्यू में यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं अगले 8 months में. आशीष आप कैसे देखते हैं और किस तरह के ट्रेंड्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर वैसे सब्ड्यूड था. इलेक्शंस और जो सडन स्पाइक हुआ था प्राइस में तो उसके लिए लोग थोड़े सहमे हुए थे. लेकिन जो उनको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट था लोगों को कि वो 68 से 73-74 का रैली था वो लोगों का मिस हो गया था. उनको लगता था मैं शायद पहले खरीद लेना चाहिए था. उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है थैंक्स टू आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि उनको वापस 69-70 के रेंज में सोना खरीदने का चांस मिल रहा है. और फर्स्ट क्वार्टर स्लो होने का कारण आगे का जो सीजन है टिल दिसंबर मैं आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट बट आई सी अ बम्पर सेल इन द कमिंग 6 months. द मानसून हैज बीन वेरी गुड. इस साल अच्छा बारिश हुआ है. ओवरऑल मार्केट भी अच्छा है. प्राइसेस रीजनेबल है. लोगों का मूड अच्छा है. आई एम श्योर ये आगे का 6 महीना हमें देश में ज्वेलरी और गोल्ड डायमंड सबके लिए एक बम्पर सेल देखने को मिलेगा. आशीष आपने कहा कि यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट फॉर दिस. सो कॉलिन अगर कह रहे हैं कि 10% की वैल्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी आप क्या नंबर दे रहे हैं? आई वुड से अबाउट 5-7% वॉल्यूम ग्रोथ. So, value growth is anybody's guess. All right. भार्गव भाई क्या आप राय देंगे अब यहाँ पर क्योंकि जैसे कि हम पिछले 3-4 दिन से पोस्ट बजट यही सुनते आ रहे हैं कि बहुत सुनहरा मौका है सोना खरीदने का बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी जो प्राइस टारगेट्स हैं इस साल के लिए अगले साल के लिए वो हायर हाईज हैं. हम बड़े बड़े नंबर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो आप क्या राय देंगे कैसे लेना चाहिए सोना नियर टर्म बायर्स को लॉन्गर टर्म खरीदारों को? आई थिंक आपने जवाब भी दे दिया कि जो भी इंटरनेशनल प्रेडिक्शन थे या एक्सपेक्टेशन थे उस हिसाब से गोल्ड एक लो लेवल पे है. सो इट इज एट अ वेरी गुड बाय. एंड आप लोग इतने सबको एजुकेट कर ही देते हैं विच इज वेरी गुड कि पूरे कंज्यूमर फैक्टर को मालूम ही था कि क्या भाव होना चाहिए. तो दैट प्राइस करेक्शन जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि थोड़ा टाइम आता है लगता है वो भी आ गया है. सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड ये महीने के अंदर जो भी पीपल जो मिस सोच रहे थे कि वी हैड मिस्ड आउट दे शुड फिनिश देयर बाइंग. ऑलराइट, तो खरीदारी के बहुत बेहतरीन मौके हैं. आपको याद दिला दें कि सोने का ऑल टाइम हाई 94,600 था और एमसीएक्स के लेवल्स हैं. ऑफ कोर्स इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगना होता है और वहां से वो लेवल्स हमने एज ऑफ नाउ 94,600 चांदी का लेवल था. वहां से हमने चांदी के भाव ऑलमोस्ट 80,000 पे आते हुए देखे हैं यानी कि 15,000 की चांदी यहाँ से सस्ती हो गई है इसी महीने के हाई से. और जहां तक सोने की बात है तो यहां पर हमने 74,800 के लेवल्स एमसीएक्स पे बनते हुए देखे थे. वहां से लेवल्स हमने लगातार गिरते हुए देखे हैं और 68,500 के नीचे भी यहां पर स्तर टूटे यानी कि 6,500 रुपए गिरावट सोने में और करीबन 14-15,000 रुपए की गिरावट चांदी में इसी हफ्ते महीने के हाई से देखने को मिली है. तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनती हुई. अपने सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहां पर बनने के लिए और ऑफकोर्स बजट रिएक्शन और क्या एक्सपेक्टेशन है आगे सीजन में वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर.